Assalamu alaikum, dear students of class 11th. Today we will read the next part, part number 2nd of your lesson, last lesson of your English, Play the New Hangman. Now let us read on page number 174. अच्छा गवर्नर साहब बताते हैं हु द चैपलिन, क्या चैपलिन आया है जिसको फांसी दी जानी है, पादरी क्या वही आया है. सेकंड वार्डर बताता है नो सर इट इज़ द न्यू वन सर, ये नया आया है. कौन? हैंगमैन, हैंगमैन आ रहा है सर. द हैंगमैन एंटर्स, तो हैंगमैन एंटर होता है कहाँ पे, जहाँ पे फांसी दी जाती है, प्रिजन सेक्शन में. ही इज़ यंगिश, वो बहुत जवान होता है. विद अ थिन फेस, उसका जो चेहरा होता है वो थिन होता है, पतला सा होता है. स्लाइटली लाइनड, उसमें खाली एक जुरी आई है, मामूली सी जुरियाँ आई है. ड्रेस्ड इन ए ब्लैक, वो काले कपड़ों में मलबूस था. ही इज़ द ओनली वन हु इज़ बियर हेडेड, वो वहाँ पर इकलौता इंसान था जिसके सर के बाल नहीं थे. ही कैरीज हिज हैट इन हिज हैंड, उसने अपनी हैट हाथ में ली थी. एंड प्रेजेंटली हैज लेड इट ऑन द डेस्क, और जब वो वहाँ पहुँचा प्रिजन में तो उसने वो डेस्क पे रखी. गवर्नर, ओ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हैंगमैन, गुड मॉर्निंग सर. हैंगमैन, एवरीथिंग इज रेडी सर, हर कोई चीज़ रेडी है. गवर्नर, हैंगमैन, गवर्नर बताता है इज एवरीथिंग रेडी, क्या हर कोई चीज़ रेडी है. हैंगमैन बताता है एवरीथिंग इज रेडी सर, हाँ हर कोई चीज़ रेडी है सर. हैंगमैन, आई हैवंट ब्रॉट एन असिस्टेंट सर. गवर्नर बताता है इसे योर असिस्टेंट वायर इज सी, आपका जो असिस्टेंट है, मददगार है, हेल्पर है, वो कहाँ है. हैंगमैन, आई हैवंट ब्रॉट एन असिस्टेंट सर, मैंने कोई असिस्टेंट नहीं लाया है सर. गवर्नर, ओह दैट इज अनयूजुअल, दैट इज स्ट्रेंज, वाई नॉट, क्यों नहीं लाया है आपने मददगार. हैंगमैन, वोंट बी नेसेसरी सर, ये ज़रूरी नहीं है, मुझे वो ज़रूरी नहीं है. गवर्नर, यू सीम प्रीटी श्योर ऑफ योर सेल्फ, क्या आपने आपको आपने आप पर पूरा भरोसा है, पूरा एतमाद है. एंड दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम, ये आपका पहला वक्त है किसी को फांसी देने के लिए, आपको असिस्टेंट चाहिए था. हैंगमैन कोल्डली, कोल्डली मीन्स डूइंग समथिंग विदाउट फीलिंग्स, मतलब जिसमें कोई फीलिंग ना हो, बेरुखी से. हैंगमैन कोल्डली, द मैटर इज लेफ्ट टू डिस्क्रिप्शन सर, सर ये होशियारी का काम सारा मुझ पर छोड़ दो, टेंशन मत लो. गवर्नर, ओह क्वाइट आई एम नॉट, ये कहता है चलो ठीक है बट आई एम नॉट श्योर. हैंगमैन, आई हैव बीन एन असिस्टेंट माई सेल्फ, मैं भी मददगार रह चुका हूँ, मैं खुद भी एक असिस्टेंट रह चुका हूँ सर, बट आई शुड नॉट नीड वन टूडे, लेकिन आज मुझे किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है. सेकंड वार्डर बताता है एसआई टू थर्ड, ये इस थर्ड वार्डर से बताता है कौन, सेकंड वार्डर. क्यों, अजीब सी बात है, स्ट्रेंज बात है, यू नो आप जानते हो. गवर्नर, तो हेड वार्डर, उसने हेड वार्डर से बताया, ब्राउन, जिसका नाम ब्राउन था, जो पहले हमने करेक्टर स्केच में पढ़ा, ये हेड वार्डर कौन था, इसका नाम ब्राउन था. ब्राउन, व्हाट सॉर्ट ऑफ नाइट हैज द प्रिजनर हैड, आज कैसी रात गुजारी इस कैदी ने, क्या चैपलिन ने आज की रात कैसे गुजारी. हेड वार्डर बताता है ग्रेवली, सीरियसली बताता है, अ बिट रेस्टलेस, उसने वो बेकरारी में गुजारी सर. वोक अर्ली, वो सुबह सवेरे जाग गया. स्टार्टेड टू क्राई, और चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया. डिड नॉट गेट टू स्लीप अगेन, फिर इसे दोबारा नींद नहीं आई. गवर्नर, हैड एनी ब्रेकफास्ट, क्या उसने कोई ब्रेकफास्ट किया. हेड वार्डर बताता है यस सर बट ब्रॉट इट अप ऑल अगेन, लेकिन उसकी फिर उल्टी आ गई, जो उसने खाया वो सारा बाहर निकल आ गया. गवर्नर, ओह पुअर फेलो, बेचारा इंसान, नो यूज टू हिम एनी वे, अब कोई मतलब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई यूज़ नहीं है अब उसकी. हैव यू गिव हिम Anything else? क्या आपने उसे और कोई चीज़ दी. हेड वार्डर बताता है यस सर आई हैव गिव हिम टू स्टिफ वंस, मैंने उसकी दो शराब की बोतलें दी, मतलब स्ट्रांग लिक्विड होता है ये, स्ट्रांग ड्रिंक होती है, मैंने दो शराब की बोतलें उसे दी. दैट मेड हिम फील बेटर, उससे वो अच्छा, उसने अपने आप को उनसे अच्छा महसूस किया. द सेकंड वन, दूसरे से. गवर्नर, गिव हिम ए थर्ड, उसको तीसरी बोतल भी दो, इफ़ ही वांट्स इट, अगर उसकी उसे ज़रूरत है. हेड वार्डर, वेरी गुड सर, ठीक है सर. He starts to go, वो जाने लगता है. गवर्नर, एंड ब्राउन, फिर उसे पीछे से पुकारता है ब्राउन. हेड वार्डर, टर्निंग बैक, वो वापस मुड़ जाता है यस सर. गवर्नर, जस्ट स्टे विथ हिम योरसेल्फ, आप वहीं पे बैठो, खुद वहीं पे बैठो, उसके साथ वक्त गुजारो. सेंड द अदर टू आउट, जो बाकी मैंने दो वहां पे रखे उनको बाहर निकालो. इट इज नॉट मच एनी वन कैन डू नाउ, अब उसके साथ कोई हमदर्दी नहीं जताएगा. बट यू आर मोर अंडरस्टैंडिंग, आप ज़्यादा जानते हो, आप ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हो उन दो आदमियों से. आप उसके जाओ, उसको कंसोल करो. डू व्हाट यू कैन, आप जाओ, जो आपको अच्छा लगे वो करो. हेडवर्ड, द थर्ड विल डू मोर फॉर हिम नाउ सर देन आई कैन, मतलब मेरे जाने से वहाँ
ऐसा अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा होगा अगर हम उसे तीसरी बोतल प्रोवाइड करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ अच्छा बेहतर होगा उसके साथ। गवर्नर बताता है, वेरी वेल, ठीक है, गिव इट हिम, दे दो फिर उसे तीसरी बोतल। हेड वार्डन, आई विल सर, मैं दे दूंगा सर। गवर्नर, मेक इट एज स्ट्रांग एज यू लाइक, उसको मजबूत बनाओ, मतलब उसे तैयार करो कि आपको फांसी दी जानी है, उसे तैयार करो। हेड वार्डन अंडरस्टैंडिंगली यस सर, उसे वो अंडरस्टैंड करता है और बोलता है यस सर, ठीक है सर, मैं जाऊँगा। गवर्नर लुक्स एट द क्लॉक, फिर गवर्नर क्लॉक की ओर देखता है, देन एट द वॉच, फिर अपनी घड़ी की ओर देखता है। ही मूव्स रेस्टलेसली, वो बेकार आ रहे से इधर उधर करता है। अबाउट, देन स्पीक्स, फिर कहता है गवर्नर, टाइम इज गेटिंग ऑन, वक्त चला जा रहा है, यू वुड बेटर कॉल द चैपलन, बेहतर यही है कि हम चैपलन को बुलाएं। सेकंड वर्ड, आई सी हिम कमिंग नाउ सर, मैंने उसे देखा कि वो आ रहा है। गवर्नर, द वर्ल्ड ब्रेक सनसेट, गुड गॉड, ये अल्फाज जो मुझे दिल पे छू रहे हैं, परवरदिगार, हैरान कुन अल्फाज है, आ रहा है मतलब उसे फांसी दी जा रही है। द वर्ल्ड ब्रेक सनसेट, मतलब ये अल्फाज छू रहे हैं। चैपलिन, अब कौन आ रहा है? चैपलिन। गवर्नर, आई कांट, मैं नहीं कर सकता, आई स्टिल नो दैट आई एम अबाउट, मुझे पता है कि मुझे अब मरना है। I can't get away from myself, मैं अब बचूंगा भी नहीं। I have tried, मैंने बहुत कोशिश की थी। Oh God, forgive, मुझे माफ़ करना मेरे रब। I am drunk, मैंने शराब पी है। यहाँ पे ये बताता है कि मतलब एक चैपलिन, एक पादरी ने शराब पी है, इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ करता है, खुदा से, खुदा मैं आ रहा हूँ पर मुझे माफ़ करना, I have drunk, मैं शराब पी है। But it is not a bit of good, मतलब अच्छी बात नहीं है। गवर्नर, Away from the warders, वो वार्डर से दूर जाता है। गुड मैन, ये पादरी है, पुल यूर सेल्फ टुगेदर, अपने इज्जत का ख्याल रखो। अच्छा, पुल यूर सेल्फ टुगेदर, आप इकट्ठे हो जाओ। हैव यू नो सेंस ऑफ योर डिकेंसी, क्या आपको अपने इज्जत का कुछ ख्याल ही नहीं है? यू एक्लर्जी मैन, ये एक पादरी इंसान है, हम इसी इंसान को फांसी देने जा रहे हैं, आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं? चैपलिन, दैट इज वाई आई एम लाइक दिस, इसीलिए मैंने ऐसा किया, मैंने शराब पी। यू कांट हैव डिकेंसी व्हेन यू आर हैंगिंग अ मैन, आपको कौन सी इज्जत रहती है जब आप एक इंसान को क्या करते हो, फांसी दे देते हो, फिर आपकी इज्जत कौन सी रह जाती है? सेकंड वार्डर टू थर्ड वार्डर, बाय गॉड दैट इज ट्रू, ये बात सच है, हम किसी भी इंसान को फांसी दी जाती है, ये बात सच है, हमें कौन सी इज्जत रह जाती है? फिर चैपलिन, आई कांट फेस इट, मैं इसका मुकाबला नहीं करूंगा। आई कांट, आई एम नॉट ड्रंक एनफ, मैंने ज्यादा शराब भी नहीं पिया। ओह, व्हाट डिड आई कम हियर, मैं इसलिए क्यों आया हूं? I had never have taken the post if I don't know. अगर मुझे पता होता मैं ये पोस्ट कभी नहीं पकड़ता। If I thought this would happen, मतलब कौन सा पोस्ट? चैपलिन का पोस्ट। If I thought this would happen, अगर मुझे पता होता ऐसा हो जाता, I can't face it, मैं इसे मुकाबला नहीं करता। I tell you, मैं आपको बता रहा हूँ। Hangman, you need not trouble, sir. आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। You won't have to face it today. आज आपको फांसी नहीं दी जाएगी। द गवर्नर टर्न्स अबाउट इन ए स्टार्लेट सरप्राइज, वो हैरान कुन सरप्राइज में देख रहा है। अच्छा, द चैपलिन विद ए सॉर्ट ऑफ मिजरेबल होपफुलनेस, और चैपलिन में थोड़ी सी उम्मीद भरी, उम्मीद जाग गई, मतलब मुझे आज फांसी नहीं दी जानी है, उसके अंदर एक क्या मिजरेबल, क्या होपफुलनेस, उम्मीद सी जाग गई उसके अंदर। चैपलिन, वट नॉट, नॉट डेट, आप क्या कहते हो नॉट डेट? हेयर द हेयर हैज देयर बीन ए रिपीट्यूडियनस रिप्रायू देनस, क्या फिर इसके लिए माफ़ी है? अगर इसको आज फांसी नहीं दी जाएगी, क्या इसके लिए माफ़ी है आज? हैंगमैन, देयर विल बी नो हैंगिंग टुडे सर, आज कोई फांसी नहीं दी जाएगी। अनलेस समवन एल्स टेक्स इट ऑन, जब तक कोई दूसरा नहीं आएगा और ये काम पकड़ेगा, तब तक किसी को फांसी नहीं दी जाएगी। गवर्नर, नो हा, व्हाट डू यू मीन मैन, आपका कहने का मतलब क्या है? हैंगमैन, आई मीन सर दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, मैं इसको फांसी नहीं दूंगा। गवर्नर स्टिफाइड, हैरान कुन से, यू आर नॉट गोइंग टू डू इट, क्या आप इसे फांसी नहीं दोगे? हैंगमैन, नो सर, आई डिड नॉट कम हियर टुडे विद एन इंटेंशन ऑफ डूइंग इट, मैं आज इस लिहाज से नहीं आया हूँ, इस तवक्का से नहीं आया हूँ कि मैं इस चैपलिन को फांसी दूंगा, मैं इस तवक्का से नहीं आया हूँ। गवर्नर, देन व्हाट द डेविल डिड यू टेक द जॉब फॉर, फिर किस शैतान ने आपको कहा कि ये काम पकड़ने के लिए, ये जॉब किस शैतान ने कहा कि आपको ये काम करो? फॉर ए जोक, मतलब आप हमारे ऊपर जोक मार रहे हो। आज इतना ही पढ़ेंगे। दिस वॉज द सेकंड पार्ट ऑफ योर लेसन, इंशाल्लाह रहमान, देयर विल बी मोर टू पार्ट्स फॉर दिस लेसन, एंड दिस विल बी कंप्लीट फॉर देन, दिस लेसन विल बी कंप्लीटेड। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।